हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का ये जो है व्लॉग नहीं है गाइज, वीडियो है, काफी इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं बजट में, और फ्रेंड्स लोग करना चाहते हैं, फैमिली लोग करना चाहते हैं, पिकनिक मनाना चाहते हैं। हाल ही में आपको पता है मैंने एक नेपाल की जो सीरीज कंप्लीट करी है, जिसमें मैंने गाइज नेपाल के दो सबसे बड़े ब्रिज दिखाए हैं। फर्स्ट जो ब्रिज है अपना पैदल लंबा चलने वाला है, और जो सेकंड है गाइज वो है हाईवे भी है, ब्रिज भी, और अपने आप में काफी मशहूर है। ऐसा लेक दिखाया जो कभी साफ नहीं होता, ऐसा घर दिखाया आपको, राजा का दरबार दिखाया है, घर दिखाया गाइज आपको, वो भी नेपाल में। और मतलब काफी इंजॉय मैंने करा था वहां पे जाके, और मेरा कितना बजट आया वो सब रिवील करूंगा। दिल्ली से नेपाल कैसे गए थे गाइज उसके बारे में आपको बताऊंगा गाइज, ठीक है। और गाइज आपको बता दूं, उन सब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, जाइए फटाफट वहां से वीडियोस को एंजॉय करिए। बट अभी बात करते हैं हम इस मुद्दे के कि कितना हमारा बजट आया था उसमें हम लोग नेपाल में ट्रैवल करे थे। तो गाइज मेरा जो बजट है वो गाइज मिनिमम जो है 7000 से लेकर 8000 आया था 3 days और 4 nights के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा उससे भी कम बजट में आप लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हो। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ट्रैवल करते हैं, बजट करते हैं, किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। गाइज काफी कंपेयर यूट्यूब में काफी इसके आपको वीडियोस मिल जाएगी कि नेपाल 4000 में घूमे, 5000 में घूमे, बट हम दिल्ली से ले जाने वाले हैं और यूनिक बॉर्डर से ले जाने वाले हैं। गाइज बता दूं, अगर आप लोग नेपाल जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपका जो है आधार कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि गाइज आपका आधार कार्ड लगने वाला है। जाते समय तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप आओगे ना, आधार कार्ड के बिना आप बाहर नहीं निकल पाओगे नेपाल से। तो ये इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना, आधार कार्ड आपको लेके ही जाना है गाइज, या फिर कोई वैलिड आईडी आपको लेके जानी है इंडिया की। तो अगर आप लोग यहाँ से नेपाल जाएंगे आपका आधार कार्ड लगेगा, दूसरा कोरोना टेस्ट होगा गाइज वहाँ पे आप जाइए। और इस समय तो सीजन है, और सीजन में जाइए, एंजॉय करिए, और गाइज घुमाइए अपने लोगों के साथ में, फ्रेंड्स जाइए, फैमिली जाइए, और काफी एंजॉयमेंट करिए। तो ये चीज आपको जो है आपका जो वहाँ पे जाते सिम बंद हो जाएगा, आधार कार्ड ले जाना है, और कोरोना टेस्ट, ये तीन चीज आपकी बहुत मैंडेटरी है नेपाल के अंदर। अगर आप लोग जा रहे हैं नेपाल तो इस चीज का आप लोग जो इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ से निकलते वक्त दिल्ली से ये बात ध्यान रखना गाइज। तो गाइज बात करते हैं, मेरा जो बजट है 7 से 8 हजार रुपए के बीच में आया था, लेकिन आपको मैं 5 से 6 हजार में ले जाने वाला हूँ, ठीक है गाइज। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और इस वीडियो को इस बिना स्किप किए देख लीजिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग इस वीडियो को मजाक समझ रहे गाइज, रियली अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और पसंद है आपको ट्रैवल करना, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और एंजॉय करिए। एंड गाइज अब बात करते हैं, सबसे पहले आप कहां से आ रहे हो और कौन से बॉर्डर से आ रहे हो, मेन आपका जो है ये फोकस रहना चाहिए आपके ऊपर कि आप लोग कहां से आ रहे हो और कौन से बॉर्डर से गाइज आप लोग एंटर करने वाले हो नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर आपको बता दूं कई सारे बॉर्डर लगते हैं, उत्तराखंड से लगता है, यूपी से लगता है, बिहार से लगता है, और पश्चिम बंगाल से लगता है। और मैं आपको बता दूं मेरा जो बॉर्डर था भाई कास्ट और दिल्ली में हूं, और दिल्ली से सबसे पास में जो बॉर्डर पड़ता है वो है उत्तराखंड का टनकपुर बॉर्डर। तो गाइज आपको बता दूं टनकपुर आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, अपनी पर्सनल टैक्सी लेके जा सकते हैं, अपनी पर्सनल कार लेके जा सकते हैं। और गाइज बात करें तो यहाँ से उत्तराखंड रोडवेज चलती है, UPSRTC की AC जनरल चलती है, और डायरेक्ट नेपाल भारत मैत्री बस सेवा चलती है जो कि महेंद्र नगर तक की सर्विस अवेलेबल है। तो इसमें आपका जो खर्चा आ जाएगा गाइज, अगर आप लोग उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन UTC से जाते हैं तो आपका 500 रुपये मिनिमम बजट आने वाला है बॉर्डर तक का। अगर आप UPSRTC जनरल से जा रहे हैं तो आपका 700 रुपये लगेगा, और अगर आप डायरेक्ट नेपाल के अंदर जाते हैं महेंद्र नगर तक तो आपका जो है 800 रुपये लग जाएगा। तो बात करें आपका नेपाल तक पहुंचने के एंटर होने तक का आपका 1000 रुपये खर्चा है गाइस, ठीक है। तो एंटर करोगे आप 1000 रुपये में नेपाल के अंदर, और 1000 रुपये आना, तो आपके 2000 रुपये यहाँ पे जो है हटा लो अलग, 2000 रुपये आपके जो है यहाँ पे खर्च हो गए आने और जाने में। अब सेकंड चीज है कि आप लोग आप नेपाल में जाके करोगे क्या, वहां से पास में दोधारा चांदनी आपका एक ब्रिज पड़ता है, आप लोग जाएंगे उसको एंजॉय करेंगे, तो उसमें क्या बोलते हैं आपका जो है 300 रुपये पर पर्सन लगेगा आपका, इंडियन रुपीज 300 रुपये, जिसमें आना जाना वो ऑटो वाला कर देगा, आप वहां पे बुकिंग करा सकते हैं जाके नेपाल में बोल देंगे। तो गाइज आपका अब हो गया आपका जो है दोधारा चांदनी आपने घूम लिया, अब इसके बाद आपका जो है 2300 रुपये यहाँ पे आपका कुल बजट हो चुका है। आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग अतरिया जा सकते हैं, नियरेस्ट वहाँ के अतरिया है पास में, तो आप लोग अतरिया जाएंगे, अतरिया जाने में आपका जो है 100 से 150 रुपये लग जाएगा इंडियन रुपीज। तो फिर वहां पे जो है आप लोग पहुंचेंगे, और पहुंचते गाइज आप लोगों को वहां पे होटल लेना पड़ेगा, अगर आप लोग थके नहीं है तो आप लोग और भी ट्रैवल कर सकते हैं आगे। और आपको बता दूं गाइज जो नेपाल का रुपए है वो इंडिया से 1.6 पैसा हो जाता है, अगर आपका इंडिया का 1 रुपए है तो वहां पे जाके 1.6 पैसा हो जाएगा, अगर आप लोग यहाँ से 5000 लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे 8000 हो जाएगा। लेकिन गाइज इसका फायदा ये मत उठाना कि भाई ज्यादा रुपए हो गया तो भाई हम ज्यादा ट्रैवल करेंगे, गाइज माफी चाहता हूँ इस बारे के लिए, क्योंकि गाइज नेपाल जो है इंडिया से काफी महंगा है गाइज, क्योंकि मैं जो ट्रैवल करता हूँ और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो गाइज मुझे अच्छी तरह पता है वहाँ के बारे में, बहुत महंगा है। अगर आपको होटल के रेट बता दूं वहाँ पे तो 500 से 600 आपको मिल जाएंगे नेपाली रुपीज, यानी इंडिया के 250, 300, 400 में भी मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन आप कहाँ रहते हो, आप कैसी सर्विस चाहते हो, डिपेंड करता है अपने ऊपर।
कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं ना तो डिपेंड अपने ऊपर करता है हम किस तरीके से करते हैं। मान लो यहाँ से आपको नैनीताल जाना है, अब नैनीताल आप बस से जाओगे तो 500 रुपए आपका लगेगा, आप वहीं पे ट्रेन से जाओगे तो आप 250-300 रुपए में भी आप जो है नैनीताल पहुंच सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस जगह से जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, ठीक है। तो ये ज्यादा आपका मैटर करता है। और उसके आगे अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे ब्लॉग मैंने नेपाल के सीरीज के कंप्लीट कर रखे हैं तो वहां पे जाइए। और मैं आपको बता दूं, नेपाल में हम लोगों ने सिर्फ पूरा नेपाल एक्सप्लोर नहीं करा, नेपाल का जो सुदूर पश्चिम इलाका हमने जो एक्सप्लोर करा है। और इसकी बहुत जल्दी जो है जब पीक सीजन लगता है, जबकि बर्फबारी पड़ती है नेपाल में, तो वहां पे आपको सुदूर पश्चिम का इलाका जो है और ज्यादा जो है माहौल क्रिएट हो जाता है वहां पे काफी अच्छा। तो एक बार फिर हम रिटर्न जाएंगे नेपाल के ऊपर। आप लोगों 3 टाइम का अगर आप खाना खाओगे वहां पे नेपाल में, 3 टाइम का अगर आप खाना खाओगे तो 1 टाइम का वेज थाली का आपका जो 200 रुपए लगने वाला है, अगर आप 3 टाइम खाते तो 600 रुपए, और 3 डेज के हिसाब से आपका जो है 600, 1200 और 1800 रुपए हो गया, यानी इंडियन रुपीज के हिसाब से 1000 रुपए गाइज। 1000 वहां पे 1600 होते हैं, 1800 मैंने बताया। अब एक टाइम अगर मिस भी कर देता तो आपका 1000 रुपए खाना होगा, तो 3 दिन का मिला के मैंने आपको बताया 1000 रुपए गाइज, ठीक है। और गाइज आप लोग वहां पे ट्रैवल करोगे तो उसका 1000 रुपए आपका खर्चा आएगा, तो आपका अभी तक 4300 रुपए खर्चा हो गया। और होटल में रहने का आपका जो है 2 डेज का आपका आ जाएगा, 3 डेज का आपका आ जाएगा 1500 नेपाली 1600 रुपए, यानी इंडिया का 1000 रुपए। तो आपका गाइज अभी टोटल जो मतलब मैंने बजट बनाया वो आपका बना टोटल कितने रुपए का गाइज, वो बना आपका जो है 5000 रुपए का। और 1000 रुपए हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ट्रैवल के ऊपर, 6000। और गाइज एक्स्ट्रा 1000-2000 आप लोग लेके चलिए नेपाल में, क्योंकि गाइज अभी समय का कोई पता नहीं है कब कहाँ कैसे रेट बढ़ जाए। तो आपको मैं बता दूं, और आप लोग अगर पोखरा जाना चाहते हो वहां से, जो कि नेपाल का काफी फेमस है, फेमस हिल स्टेशन है, और काठमांडू भी जाते हो, तो आपका महेंद्र नगर से 1500 रुपए पोखरा का लगने वाला है, 1500-2000 रुपए, और काठमांडू का लगने वाला है आपका 2500 रुपए से 3000 रुपए लेके। लेकिन उसके ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, इसलिए मैं क्लियरली नहीं बता सकता। अगर आप लोग कमेंट करोगे गाइज, और वहां का अगर आप लोग चाहते हो वीडियो, तो मैं वहां भी बना दूंगा गाइज। तो आज के इस वीडियो में मैं यही एंड करता हूं, और आपका इसमें आयो आपको पता चल गया होगा कितना बजट आया है, 6-7 हजार आपका लग जाएगा। और आप लोग जो है वहां पे पेटीएम एटीएम के चक्कर में मत पड़ना, कुछ नहीं चलता वहां पे गाइज। सिर्फ अगर आपको इंडिया से ट्रांसफर कराएं तो आईएम ही चलता है गाइज, इस बात का ध्यान रखना। आप पेटीएम से रिचार्ज कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन वहां पे कोई रिसीव नहीं करेगा गाइज। आपने किसी फ्रेंड्स को मोबाइल का रिचार्ज करना चाहते हो वो भी इंडिया का, और सिम भी वहां पे नहीं चलती, तो ये बात मैंने आपको बता दी। और नेपाल में सिम बिल्कुल भी मत लेना गाइज, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग होटल में रुकोगे तो आपको हमें वाईफाई का है, अगर किसी को लेनी है तो सिम वो ले सकता है, फिर वो जो एक्सपेंसिव जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आप लोग कैसे बजट में ट्रैवल करना चाहते हो, और सस्ते में हम आप लोग बजट लेके आ रहे हैं, तो हमारी नई सीरीज भी आने वाली है बहुत जल्द। और आप लोग नीचे जो है कमेंट कर देना इस वीडियो में कैसी लगी। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक